कहा जाए सर। यहाँ पे आप बाजे के साथ पहुँचे हैं, क्या मामला? बाजे के साथ यह है सर कि हमको 9 साल से संदीप रखे हैं, हमसे विंध्याचल में शादी भी किए और शादी के झांसा दे करके पहले वीडियो SMS बना लिए हैं। अब वीडियो बना करके बोले हैं कि तुम्हारे पति को भेजेंगे, तुम्हारे भाई को भेजेंगे अगर मेरे साथ तुम सोई नहीं तो। फिर करते 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 हम दबाव में उनके साथ ऐसा काम की। और कैसा उनके आपके साथ? 9 साल हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ, हम शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। इनसे कब संपर्क हुआ? इनसे 2015 में संपर्क हुआ। क्या कहाँ कहाँ अपने आगे गुहार लगाएं? हम गुहार लगाए पहले रायपुर थाने में, रायपुर थाने से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने वाले सुलह समझौता बुलाए, फिर लोग कहें कि हम शादी करेंगे, फिर बीच में घूम गए। फिर हम गए कप्तान सर के लिए, कप्तान सर हमको इजाज़त दिए कि जाइए कोतवाली, कोतवाली से इजाज़त मिली कि जाइए संदीप के घर, वहाँ से फिर हम एप्लीकेशन घूम दिए थाने पर, चौकी पर। रायपुर थाने में जब एप्लीकेशन दी थी, क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, सुनवाई यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? बस वो पहले आए तो सर बोल दिए कि जाइए, आपके हम कोई मदद नहीं कर सकते। सर कितना दिन हो गया एप्लीकेशन दिए? ये हो गया करीब नहीं तो सर 25 दिन आया। 25 दिन से अभी आपको दौड़ाया जा रहा है? दौड़ाया जा रहा है, कोई सुनवाई हमारा कहीं नहीं हो रहा है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमको अन्याय दिया जाए। क्या आपके आसपास के लोग जानते हैं? हाँ, हमारे आसपास के लोग अगल बगल वाले सब आए हैं, चल के घर भी देख लीजिए, नहीं कि फर्जी आए हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं संदीप जैसे हमारा घर परिवार बसा बसाल तोड़े हैं, वैसे हमारे साथ घर बसाएं, हमसे शादी करें, ये चाहते हैं। संदीप को 5 घंटा बैठाए भी थे, बैठाए आज हम जाएंगे नहीं, शादी कर देंगे।